हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ है एंड आई विल बी टॉक टू टॉप 10 क्लासेस। और आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे अभ्यास 7.3 के जो बचे हुए हमारे सवाल हैं। पिछले क्लासों में हम लोगों ने बात कर लिए थे अभ्यास 7.2 के जो हमारे सवाल थे उनको संपूर्ण रूप से हमने हल कर लिया था, और जो बचे हुए सवाल हैं हम लोग अभ्यास इस समय हल करेंगे। जो हमारा पहला सवाल है वो हम लोगों को कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल है वह सवाल क्या दिया गया, आइए हम लोग उसको क्या करते हैं पहले नोट कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं सवाल हमसे क्या कह रहा है, फिर इसके बाद हम लोग उसको हल करते हैं। तो हम लोगों का पहला सवाल दिया गया है कि कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए गए हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए गए हैं। तो जो पहला सवाल हमारा दिया गया है वह दिया है 2, 3, -1, 0 और 2, -4 दिया है। यह पहला सवाल है एमसी और कह रहा है इसके क्या कीजिए, इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम लोग जानते हैं जो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक बटे दो x1y2 - y3 + x2y3 - y1 + x3y1 - y2। यह हमारा त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। आइए हम लोग क्या करते हैं, अब हल करते हैं इसको। तो लिखेंगे दिए गए शीर्षों के निर्देश, दिए गए शीर्षों के निर्देश, दिए गए शीर्षों के निर्देश। जो हमारा निर्देश दिया है ए का वह मान दिया है 2, 3, और जो हमारा दिया है बी का निर्देश वह दिया है -1, 0 और जो हमारा सी का निर्देश दिया है वह 2, -4 दिया है। दिए गए शीर्षों के निर्देश है हमारा ए, तो हो जाएगा हमारा x1 = 2, y1 = 3, x2 = -1 और y2 = 0, x3 = 2 और y3 = -4। अब हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल में रख देते हैं इस फार्मूला को। तो हो जाएगा 1/2 कोष्टक में x1 का मान दिया है कितना 2, कोष्टक में y2 का मान दिया है कितना 0 माइनस y3 का मान दिया है -4। फिर हम लोग करेंगे प्लस x2 का मान कितना दिया है -1। फिर कोष्टक में y3 का मान दिया है -4 माइनस y1 का मान कितना दिया है 3 प्लस x3 का मान कितना दिया है 2। फिर y1 का मान कितना दिया है 3 माइनस y2 का मान कितना दिया है 0। अब हम लोग इसको हल करते हैं 1/2 2। अब माइनस गुणे माइनस बराबर हो जाएगा +4, फिर प्लस का गुणा माइनस में हो जाएगा -1, -4 और -3 हो जाएगा -7 प्लस 2, 3 में से 0 घटा देंगे 3 बचेगा। इस प्रकार हमारा यह हो गया 1/2 कोष्टक में 4 दूना हो जाएगा 8, फिर माइनस यहां पर माइनस गुणे माइनस बराबर +7, फिर 3 का गुणा 6 में तो 3 2 कितना हो जाएगा +6 हो जाएगा। हम लोग अब इसको ऐड कर लेते हैं, 1/2 8 और 7 हो जाएगा 15, और 15 में हम लोग 6 को जोड़ देंगे, 15 × 6 कितना हो जाएगा 21। अब 1 का गुणा हम लोग 21 में कर देंगे, 21/2 क्या आ जाएगा वर्ग इकाई, क्या आ जाएगा वर्ग इकाई। इस प्रकार जो हमारा पहला सवाल दिया था और पूछ रहा था हमसे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल है वह कितना आ गया 21/2 वर्ग इकाई आ गया। अब हम लोग चलते हैं अगली सवाल की तरफ। अगला सवाल हमसे क्या कहता है, आप वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज करने के पश्चात इसको नोट कर लीजिए। तो दूसरा सवाल हमसे कह रहा है -5, -1, 3, -5, 5, 2 और त्रिभुज का क्षेत्रफल पता करना है। तो हम लोग इसको भी आइए हल कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा कि दिए गए त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देश, एबीसी के शीर्षों के निर्देश, एबीसी के शीर्षों के जो निर्देश हैं वह दिया है a = -5, -1, b दिया है
3, -5 और सी दिया है 5, 2। तो हम लोगों को यहां पर अब इसको हम निर्देशित करेंगे तो हमारा x1 बराबर हमारा हो जाएगा कितना -5 और y1 बराबर हमारा हो जाएगा कितना -1। फिर x2 बराबर हमारा हो जाएगा कितना 3 और y2 बराबर हो जाएगा हमारा कितना -5। फिर हम लोग आगे हल करेंगे x3 का मान दिया गया है कितना 5। फिर y3 का मान कितना दिया गया है y3 का मान दिया है 2। अब हम लोग क्या करते हैं इसके त्रिभुज को क्षेत्रफल में रखते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हम लोगों को पता है त्रिभुज एबीसी बराबर हम लोगों को क्या मिलेगा बराबर 1/2 कोष्टक में x1 का मान दिया है कितना -5। फिर y2 का मान कितना दिया गया है -5 माइनस y3 का मान कितना दिया है 2 दिया है प्लस x2 का मान कितना दिया है x2 का मान दिया है 3। फिर y3 का मान दिया है 2 माइनस y1 का मान कितना दिया है y1 का मान हम लोगों को मिला है कितना -1। फिर हम लोगों को दिया है प्लस x3 का मान दिया है कितना 5। फिर y1 का मान कितना दिया है y1 का दिया मान है -1। फिर माइनस है तो माइनस y2 का मान कितना दिया है y2 का मान हमें दिया है कितना -5। इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं इसको हल कर लेते हैं तो हल करेंगे तो 1/2 -5 है तो -5 माइनस और 2 हो जाएगा -7। फिर प्लस 3 कोष्टक में 2 -1 × -1 बराबर हो जाएगा +1 +5 -1 × -1 - बराबर +5। इस तरह हो गया 1/2 -5 का गुणा करेंगे साथ में तो हो जाएगा 5 × 7 = 35 प्लस यहां पर 2 है यहां पर 1 है 2 × 1 = 3 हो जाएगा 9 प्लस या -5 है या प्लस या माइनस या प्लस 5 है या माइनस 1 5 में से 1 घटा देंगे बचेगा 4। अब 4 का गुणा करेंगे 5 में 5 × 4 = 20 हो जाएगा बराबर 1/2। अब क्या करेंगे इन सब को जोड़ लेंगे तो 9 में 5 को जोड़ेंगे 9 × 5 = 14 0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 हासिल लगा 1 3 × 3 = 2 हो जाएगा 5 5 × 1 हासिल था 6 तो हो जाएगा 64। अब क्या करेंगे 64 का गुणा 1 में 64/2 अब इसको काट देंगे तो 32 दूना कितना हो जाएगा 64 32 वर्ग इकाई। इस प्रकार जो हमारा पूछ रहा था त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा कितना 32 वर्ग इकाई। इस प्रकार जो हमारा पहला दिया गया सवाल था वह पूर्ण रूप से क्या हो जाता है हल हो जाता है। तो उसमें 2 सवाल दिए गए थे पहला सवाल दूसरा सवाल हम दोनों सवाल को हल कर लिए। फिर हम लोग अगली के सवाल को लेकर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप क्या कीजिए इसको लेकर नोट कर लीजिए।